इसमें 25 to 26 मसाले लगते हैं उसी का। मैं रहने वाले हैं कुलचे, अब टेस्ट करता हूँ, मैं आपके मुंह में पानी नहीं लगा। 76 साल चल रहा है, 76 चल रहा है। ये देख लो यार, ये देख लो प्रॉपर छोला। तो क्या हाल है मेरे चटोरो, एक बार हम फिर आ चुके मतलब दुकान पे, और ये दुकान जो रहने वाली है ना ये मेरे घर के काफ़ी ज़्यादा पास है, लेकिन जो इनका नाम है ना बहुत पुराना, मतलब मेरे पापा यहाँ पे बहुत शौक से खाते थे, फिर उन्होंने मेरे को ये दुकान बताई और हम कोई भी गेस्ट वगैरह आता था यहाँ पे लेने आते थे। जो इनका टेस्ट है ना भाई साहब, 80 साल से ये टेस्ट बरकरार है, मतलब 80 साल कम नहीं होते। तो यार मेरे पापा को भी पसंद आए, फिर हमें भी पसंद आए, और आज मेरे दोस्त वगैरह यहाँ आते हैं और मात्र 20 रुपये में, और ये छोले वगैरह पीछे बने हुए हैं, और जो इसकी खुशबू है ना नाक पे चढ़ रही है। और भाई एक बात बता दूँ, जो इनका जो टेस्ट है ना शायद और कोई दे नहीं सकता, तभी इनका नाम चलता है। और कितनी देर में भैया ये खाली हो जाएगी आपकी शॉप, सुबह कितने बजे खोलते हो? सुबह 7 बजे खोलते हैं, 11:30-12 बजे तक ख़त्म। देख लो सुबह 7 बजे खोलते हैं और 11:30 बजे तक दुकान बंद कर देते हैं, बिल्कुल इतना सॉरी मतलब बढ़ा देते हैं, ये बोलना नहीं चाहिए, बढ़ा देते हैं क्योंकि सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो यार देख लो कितना अच्छा टेस्ट है, मैं आपको बताऊँगा कैसे छोले बनते हैं, क्या क्या इसमें मतलब रहने वाला है, आगे ओनर से भी बात करवाऊँगा कैसी शॉप इन्होंने किस वे में खोली थी, कैसे काम स्टार्ट हुआ था। तो आ जाओ ये देख लो यार, अपने कुलचे गरम होते हुए भाई, कुलचे पीस के दो है ना, तो भैया ये आप खुद ही बनाते हो? तो यार ये देख लो लगते हुए ठीक है, साइज़ ठीक है, 20 रुपये में अच्छा खासा है, तो अभी इसे लगने देते हैं, ये बस छोले भी खाने। ये देख लो यार, ये देख लो प्रॉपर छोले ना, ज़्यादा यम्मी रहने वाले, मतलब कलर देख लो कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो अभी इसे लगने देते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखो अपने कुलचे लग चुके हैं प्रॉपर, चटनी और मसाला डाल चुके हैं, प्याज भी डाला, कलर देख लो यार, कलर काफ़ी ज़्यादा हटके है, बाकी उनकी चटनी कहते हैं बहुत ज़्यादा यम्मी होती है, एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने में, बाकी आपको मैं खा के भी दिखाऊंगा। एक बार कलर देखो यार, मैं तो कलर इनका सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है, ये देखो ना भी बंदे को भूख लगे तो देख के भूख लग जाए, वाह। तो भाई तो यार गाइस अब रह गई है टेस्ट की बारी, अब टेस्ट करने के लिए मैं काफ़ी देर से मतलब कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वीडियो ख़त्म ही नहीं हो रही, फाइनली ये मेरे हाथ लग चुके हैं। एक बार छोले देखो यार, ओए होए होए, इसकी खुशबू है ना जो नाक पे चढ़ती है मेरे को, मतलब ये वीडियो शूट करता हूँ मेरे मुंह में पानी आता है, इतने ज़्यादा टेम्पटिंग लगते हैं ये मेरे को। बाकी इसमें देख लो इनकी हरी चटनी रहने वाली है, बिल्कुल खट्टीपन में रहती है, जो छोलों को ना बड़ा मिला के मुंह में टेस्ट मिलाती है। और इसमें भैया ने बताया 25 तरह के मसाले डालते हैं, और वो भाई फैक्ट है, जब जीभ पे लगते हैं ना ये एक एक टेस्ट आपको आता है। बाकी देख लो प्याज डाला हुआ भैया ने, बाकी ये देखो ये इनके अपने रहने वाले हैं कुलचे, अब टेस्ट करता हूँ मैं आपके मुँह में, ट्राई तो करने पड़ेंगे आके, एक बार मैं टेस्ट करता हूँ। वाह, बोलने का मन नहीं कर रहा सच्ची बताऊँ तो, मैं एक बाइट और लेने वाला हूँ क्योंकि भाई मज़ा आ रहा है। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, आपने कहीं भी खाए होंगे, कहीं भी खाए होंगे इतने प्राइस में ना 20 में, इससे अच्छे नहीं खाए होंगे, ये मैं आपको अपनी तरफ से गारंटी देता हूँ। कभी भी आप यहाँ से जा रहे हो, मैं आपको एंड में भैया के साथ लोकेशन भी बताऊंगा, पूरी एक्सप्लेन करूंगा, दिखा के बताऊंगा लोकेशन कहाँ पड़ता है, कभी भी कहीं भी जा रहे हो ना यहाँ से जा रहे हो, एक बार मेरे कहने पे आ जाना और आप ना पैक करवा करवा के घर ले जाओगे। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, मेरे पापा लाते थे ये, तो पापा लाते थे 3-4 बार लाए, पापा ने मेरे को ना जगह नहीं बताई, पापा लाते थे और घर पे सारे खाते थे, मेरे को एक बार जगह पता लग गई तो मैं लेके आया भाई साहब, वो मेरे को मैंने छोले कुलचे इतने पसंद नहीं करता पर्सनली, मेरे को कुलचे इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं इनके यहाँ आया ना तो मेरे को इतना मज़ा आने लग गया, मैं घर में रोज़ लाने लग गया। और हमारा ना एक टाइम में ना ब्रेकफास्ट सिर्फ यही होता था, मतलब महीना महीना हम यही खाते थे क्योंकि इतना ज़्यादा हम एडिक्ट हो गए थे, अब तो काफ़ी टाइम से नहीं खाए, लेकिन हाँ अब मेरे को लग रहा है आज के बाद दोबारा मेरे को कंटिन्यू करने पड़ेंगे खाने। तो भाई देखो मैं तो अभी भी 20 रुपये के अगर मेरे को कहीं खाने हो सस्ते में खाने तो मैं यहीं आता हूँ, तो यार आप भी ज़रूर आना। तो यार देखो ये ओनर रहने वाले, तो सर आपका नाम क्या रहने वाला है? मनोज। मनोज, तो सर आपकी शॉप से अगर मैं पूछूँ, ये शॉप मैं बचपन से देख रहा हूँ, मतलब कितने साल हो गए होंगे इसे? 76 साल चल रहा है। 76 चल रहा है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे मेरे को तो पता टेस्ट है यहाँ पे, ऐसा क्या कस्टमर एक बार आ जाए बार बार आ जाए, मतलब ये तो मैग्नेट वाला गेम है आपके यहाँ? हाँ, जैसे कि इसमें जो ये डिश है इसमें 25 to 26 मसाले पड़ते हैं, उसी का गेम होता है, मतलब ये स्पेशल मसाले किसी को पता नहीं लगते। हाँ, ये आपके अपने घर पे बने? हाँ जी।
ठीक भी है। तो जैसे कि भैया मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे ये है 20 का हो गया, ये प्राइस शुरू से इतना रखा है? शुरू नहीं नहीं, जैसे कि दादाजी के टाइम पे तो कस्टमरों ने एक पैसे के भी खाए हैं, एक पैसे, दो पैसे, चार पैसे। हाँ जी, तो मेरे पास तो बहुत सारे जो कस्टमर जो हमारे दादाजी के एज के हैं, वो बताते हैं कि दो पैसे के भी खा रखे हैं, दो पैसे के भी। तो ये आपने जो 20 वाला हिसाब रखा, ये कब से कंटिन्यू चल रहा है? पहले तो फादर के टाइम पे हमारे फादर जी ने 3 रुपए भी रखी है, 5 भी रखी है, 7 भी रखी थी, और एक बार 15 भी हुई है, तो अब 20 है। तो अब पहले इनके में जो पापा संभालते थे, तब मैं आपको तब की कहानी भी एक्सप्लेन करूंगा, तब तो उनका इतना टाइम नहीं होता था, हमें मतलब खुद पैसे उनकी जेब में डालने पड़ते थे, इतना रहता था। तो भैया जैसे आपसे पूछूं, आपने कब से शॉप संभालना शुरू किया? मुझे ऑलमोस्ट 2 साल तो हो गए, 2 साल हो गए, प्रॉपर नॉलेज हो गया। हाँ, नॉलेज तो मतलब घर से ही नॉलेज थी, क्योंकि हमारे फोर फादर्स ने सारा काम कर रखा है, तो नॉलेज तो हमें घर से ही मिली हुई है। और भैया जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे भैया आपका टाइमिंग क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टाइमिंग 7 से 12:30 होता है, और फ्लक्चुएट करता है आधा घंटा ऊपर और नीचे, जैसे कि कभी कभार 1 भी होता है, 1.5 भी हो जाता है, और 11 भी हो जाता है, और 10 भी हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर अगर जैसे वीकेंड्स हुए या कोई ओकेजन हुआ तो 10-11 बजे हो जाता है, अगर वीकेंड्स नहीं है और रेगुलर डेज हैं, ऑफिस डेज हो गए, तो 12-12:30 और आधा घंटा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करें। जैसे कोई पार्टी है जिसके घर में कुछ है, तो अगर उसने आपको ऑर्डर दिया तो आप ऑर्डर कर? हाँ, ऑर्डर पे हो जाता है, ऑर्डर पे हो जाता है। और बट ऑर्डर जो है ये नहीं है कि 10 प्लेट 20 प्लेट 30 प्लेट, मिनिमम 500 प्लेट का ऑर्डर मिनिमम आता है। अच्छा, और ये घर डिलीवरी वगैरह होती है? डिलीवरी नहीं होती, नहीं नहीं होती। तो भैया देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वीडियो तो शायद रहेगी 8 मिनट या 9 मिनट की, लेकिन भैया से हमने कम से कम एक घंटे से ऊपर बातें करी है बैठ के, और भैया का जो नेचर है ना बहुत प्यारा। अगर तुम कभी भी यहाँ से जा रहे हो ना, तो एक बार मेरे कहने पे एक बार जरूर लेना, और बार बार आओगे। ये जो मैंने मैग्नेट वाली बात बोली ना, ये यूं ही नहीं बोलती हवा में, ये एक बार आएगा ना बंदा रोज जाएगा। तो भैया एक बार ना लोकेशन बता दो आप अच्छे से। लोकेशन अगर आप तिलक नगर से आ रहे हैं टुवर्ड्स दौलत कुआं जा रहे हैं, तो इन फ्रंट ऑफ कल्याण बेकरी और नियर बाय गोलसंस पड़ेगा, उसके अपोजिट में बिल्कुल नहीं, अपोजिट तो कल्याण बेकरी के, नियर बाय गोलसंस पड़ेगा। पूरा एड्रेस इसका मतलब ये 311 पे पड़ेगा, और जैसे कि मैंने बताया इन फ्रंट ऑफ कल्याण बेकरी है। तो भैया आपको कोई नंबर वगैरह दे सकते हैं? हाँ, नंबर आप लिख लीजिए, 9999 5 8 4 8 4 2 4 7 4 7। तो भैया थैंक यू, आपने मेरे को इतना अपना टाइम दिया। तो यार वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।